एक घर का लैंड प्लस कंस्ट्रक्ट। ये मुंबई की गर्मी से बचने के लिए अंबानी जी ने अपने घर पर ही ऐसा बना दिया है कि आर्टिफिशियल स्नोफॉल हो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जनरल एंड यू आर वाचिंग जनरल्स मी व्लॉग। ओके सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको टूर देने वाला मुकेश अंबानी सर के घर का। आप ये मेरे पीछे ये घर देख रहे हो ना, ये है अंबानी जी की पूरे मुंबई में, ऐसा बोल सकते हैं पूरे इंडिया में सबसे महंगा घर इनका। इनके घर के बारे में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, आप जानकर हैरान हो जाओगे गाइस। ये देख सकते हो कितना बड़ा घर है गाइस, उनका पूरा बिल्डिंग दिखाता हूँ इनका और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ इनके बारे में। Keep watching the full video and let's move on to the vlog. अंबानी जी के घर के बाहर ही आप ये पूरी बिल्डिंग का लुक देख सकते हो, कितना शानदार दिख रही है ये। और गाइज ये बिल्डिंग का नाम है एंटीलिया, और गाइज ये है मुंबई के अल्ट माउंट रोड। अंबानी जी का एंटीलिया टावर कोई हेवन से कम नहीं है। एक एक करके आपको सभी फीचर्स बताता हूँ, आप जानकर शॉक हो जाओगे गाइज, और अंदर की भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस दिखाता हूँ। सो गाइज ये वाला जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये इसकी वॉल्स पे ही देखो गाइज, ये बिल्डिंग के वॉल्स पे ही है ना पूरा ग्रास ग्रास जैसा लगाया, मतलब इनको नेचर फ्रेंडली घर चाहिए था तो कुछ ऐसा घर बनाया इन्होंने। और अभी मैं सबसे पहले तो आपको ये घर की पहले प्राइसिंग बता देता हूँ। ये घर का लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना 13,000 करोड़ है गाइज, तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और मतलब अंबानी जी के लिए वैसे ये कुछ नहीं है। और गाइस ये इतनी बड़ी बिल्डिंग में है ना 9 लिफ्ट्स है, जो कि जो काम करने वाले रहते हैं उनके लिए अलग और फैमिली मेंबर्स के लिए, और इसके अंदर एक प्राइवेट थिएटर भी है 50 सीटिंग कैपेसिटी वाला। तो आप ये बिल्डिंग के आप ये पहले यहाँ पर ये ग्रास जितना देख रहे हो ना पार्ट, ये 6 फ्लोर्स का ये जितना घास जितना पार्ट है, और वो 6 फ्लोर्स है पूरा पार्किंग का गाइज, उसमें से उसके अंदर है 168 कार्स है गाइज अंबानी जी की वो सारी। और ये बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में, मैंने सुना है कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में रहते हैं अंबानी जी, उनका घर टॉप फ्लोर पे, और टॉप फ्लोर पे 3 हेलीपैड्स भी है। हाइट है एक्चुअली में 570 फीट, जो कि 40 फ्लोर्स जितनी होती है, लेकिन ये बिल्डिंग में सिर्फ 27 फ्लोर्स है एक्चुअली। इसमें है ना कुछ कुछ फ्लोर्स आप देख रहे हो, कुछ कुछ फ्लोर्स है ना डबल साइज के बनाए गए, इसलिए यहाँ पर 40 फ्लोर्स से कम 27 फ्लोर्स ही हो जाते हैं गाइज। ये पूरे घर में ना सिर्फ 6 लोग रहते हैं, और 6 लोग के लिए ना 600 से ज़्यादा सर्वेंट्स हैं यहाँ पर, और वो सभी सर्वेंट्स लोग के लिए भी यहाँ पर अंदर सभी रहने के लिए खाने पीने का सभी यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल। और इसके बिल्डिंग में ऐसा है कि गाइज इसके हर फ्लोर पर है ना अलग अलग डिज़ाइन है, मतलब कोई भी एक फ्लोर का डिज़ाइन दूसरे फ्लोर के साथ मैच नहीं करता है। और इसके एक फ्लोर पर है ना एक बहुत बड़ा टेंपल है, जो कि आप ये वीडियो देख रहे हो, जो नीता अंबानी जी है वो ट्रॉफी लेके आ रही है मुंबई इंडियंस की और टेंपल में रख रही है, ये वही वाला टेंपल का। इसी एक्चुअली में कौन से फ्लोर पे होगा वो तो मुझे आइडिया नहीं। और गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है इस घर के अंदर, एक्चुअली में स्नो रूम बना दिया है, जो कि ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल स्नोफॉल होती है घर के अंदर। ये मुंबई की गर्मी से बचने के लिए अंबानी जी ने अपने घर पर ही ऐसा बना दिया है कि आर्टिफिशियल स्नोफॉल हो एक रूम के अंदर। जो मेन गेट है ना अंबानी जी के घर का, वो यही वाला मेन गेट है गाइस, और आप देख रहे हो सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा टाइट है यहाँ पर, मिलिट्री तक की गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर, और इनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी रहती है। तो जो आप बिल्डिंग में ग्रास देख रहे हो ना, ये ग्रास का भी सिस्टम कैसा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम लगा दिया है, जो कि हमेशा टाइम टू टाइम ये ग्रास को यहाँ पर पानी मिलता है। सो गाइज मैंने आपको इसके बिल्डिंग के बहुत सारे फीचर्स बाहर से तो दिखा दिए, अभी मैं पूरा ओवरऑल लुक देता हूँ कौन से फ्लोर पे मतलब क्या क्या है यहाँ पर। सो जो कि आप ये फोटोग्राफ देख सकते हो बाजू में, और यहाँ पर ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके ये जो 6 फ्लोर्स है, जो कि घास वाला एरिया था, वॉल पर घास थी, उसके ये पूरे 6 फ्लोर पर पार्किंग का एरिया है, और फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पर है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया 50 सीटिंग कैपेसिटी वाला थिएटर है गाइज। डब्ल्यू शेप में ऐसा दिख रहे हो ना बड़ा बिल्डिंग के बाहर से डब्ल्यू शेप जैसा है, वहां पर इन लोग ने गार्डन बनाया गाइस, ओपन गार्डन है, वो गार्डन के कुछ फोटोग्राफ्स भी आप ये देख सकते हो गाइस भी आर्टिकल्स के थ्रू मुझे मिली है। और फिर इसके ऊपर वाले फ्लोर पर है यहाँ पर स्विमिंग पूल और जिम, और फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पर है गेस्ट जो आते हैं उनके लिए रूम्स बनाए गए, और उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर यहाँ पर है वो जो कि मेंटेनेंस करते हैं, जो कि आपको मैंने बताया 600 से ज़्यादा सर्वेंट्स है, ये हो सकता है उनके रहने के लिए यहाँ पर रूम्स बनाए हो,
और फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं अंबानी जी की पूरी फैमिली, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया ये टॉप वाले फ्लोर पर रहता है, तो मतलब ये टॉप पे आ गया गाइस। और फिर उसके ऊपर है यहाँ पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो कि ऑफकोर्स अंबानी जी के घर के ऊपर 3 हेलीपैड है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया, तो हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं वहाँ पर। मुंबई में ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो 50-60 फ्लोर्स की रहती है, तो हर बिल्डिंग में हम दूर से देखें ना तो सबसे टॉप पर है ना एक छोटी सी लाइट जलती रहती है रेड कलर की, एरोप्लेन को इंडिकेटर देने के लिए रहती है रेड लाइट, जो कि एरोप्लेन अगर दूर से आ रहा है तो उसको मालूम पड़े कि सामने एक बिल्डिंग है गाइज, और कभी गलती से भी क्रैश ना हो जाए इसके लिए गाइज वो रेड लाइट रहती है। तो कुछ अभी फोटोग्राफ्स दिखा था, आप फोटोग्राफ्स के थ्रू देख सकते हो, और मैंने आपको वीडियो भी बताया जो कि नीता अंबानी जी वो ट्रॉफी लेकर आ रही है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये अंदर से कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी गाइज उनका घर। और अभी फोटोग्राफ्स आप देखो, और गाइस जो ये वाला बिल्डिंग है ना इसको डिजाइन किया था अमेरिका के आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम है परकिंस एंड विल्स। मैंने आपको ये पूरे बिल्डिंग का एक ऐसा बाहर से टूर तो दे दिया, इसके सभी फीचर्स भी बताए मैंने आपको, आप देख ही सकते हो मतलब ये बिल्डिंग को कैसे ज्योमेट्रिक शेप्स में बनाया गया था, जो कि मैंने बोला इसका आर्किटेक्ट जो था वो अमेरिकन था, परकिंस एंड विल्स, उन्होंने ये ऐसे डिजाइन बनाई है ये बिल्डिंग की। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर ही देना, और गाइस ऐसे घर में रहना सबका ड्रीम होता है, आपका भी ड्रीम हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सो बस गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आप क्या क्या देखना चाहते हो मेरी चैनल पर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसे ही बनाते रहूंगा, सो उसके लिए सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। सो बस गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। See you in the next video very soon. Till the time, goodbye.